नवजोत जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राम राज्य कैसा होगा। कैसा होगा? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि राम राज्य इस देश में उस दिन आएगा जिस दिन हर हिंदुस्तानी के सर पर छत होगी, तन पर कपड़ा होगा और पेट में दो वक्त की रोटी होगी। बहुत हर दिन इस देश की कितनी जनसंख्या हर दिन उपवास करती है क्योंकि उनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है पेट भरने के लिए। तब कहती हूँ सुनिए, और देश के नेता क्या बांटते फिरते हैं सुनिए। राम राज्य के जैसा सुंदर शासन जनता मांग रही, राम राज्य के जैसा सुंदर शासन जनता मांग रही, जो नाकारा है उनका निष्कासन जनता मांग रही, जो नाकारा है उनका निष्कासन जनता मांग रही। भाषण वाषण बहुत दिए हैं नेताओं ने गली गली, भाषण वाषण बहुत दिए हैं नेताओं ने गली गली, घर में बंद पड़े हैं चूल्हे राशन जनता मांग रही, घर में बंद पड़े हैं चूल्हे राशन जनता मांग रही। और कब आएगा राम राज्य? राम राज्य उस दिन आएगा जिस दिन इस देश की जनता इस देश के सिंहासन पर राजा राम जैसे राजा को बिठाएगी। तब कहती हूँ सुनिए कि हर एक वोट का अपने हमें सम्मान करना है। देश की जनता से कहती हूँ कि हर एक वोट का अपने हमें सम्मान करना है, शहीदों के जो दिल में था वो हिंदुस्तान करना है, शहीदों के जो दिल में था वो हिंदुस्तान करना है, कि जाति धर्म और मजहब को अब के छोड़ कर पीछे, कि जाति धर्म और मजहब को अब के छोड़ कर पीछे, के अपने देश के हित में हमें मतदान करना है, कि अपने देश के हित में हमें मतदान करना है। और भगवान राम पर एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। राजपाट की तृष्णाओं का बंधन जिसने तोड़ दिया, और पिता की आज्ञा पाकर सिंहासन भी छोड़ दिया, सन्यासी का वेश बना वनवास सहर्ष स्वीकार किया, अयोध्या के हरवासी ने जिसका जय जयकार किया, और जिसको जन्म देकर सूर्य वंश को अभिमान हुआ, और जिसके कदमों की रज पाकर भारत वर्ष महान हुआ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात।